अंतरिक्ष में पाई गई विचित्र ध्वनियां और संकेत, यह एलियन के हैं या प्राकृतिक? इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में पाई गई विचित्र ध्वनियां और संकेत, यह एलियन के हैं या प्राकृतिक? अंतरिक्ष में एक खौफनाक सन्नाटा छाया रहता है, क्योंकि ध्वनि अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर पाती। लेकिन अंतरिक्ष शांत नहीं है। लगभग सभी अंतरिक्ष के पिंड ऐसे रेडियो संकेतों का उत्सर्जन करते हैं जिन्हें मानव के कान सुन नहीं पाते, जिन्हें विशेष उपकरणों से ग्रहण किया जाता है। रेडियो संकेतों की खोज के पश्चात से अंतरिक्ष से आने वाले कई संकेत और ध्वनियों को इन उपकरणों ने ग्रहण किया है। पिछली अर्ध सदी में मानव द्वारा पृथ्वी पर वायु बुद्धिमत्ता की खोज सेटी SETI सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के प्रयास से इन संकेतों को ग्रहण करने की घटना में बढ़ोतरी ही हुई है। हम इनमें से कुछ महत्वपूर्ण और अनसुलझी घटनाओं को देखेंगे। वो WOW सिग्नल। 15 अगस्त 1977 को ओहायो राज्य विश्वविद्यालय के बिग एयर दूरबीन ने लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूर से आते हुए 72 सेकंड लंबे संकेत को ग्रहण किया था। खगोल वैज्ञानिक जेरी अहमन ने इस संकेत में 6EQUJ5 को लाल रंग से घेरा था, जो कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में एक कृत्रिम विचलन को दर्शाता रहा था। उन्होंने इस संकेत के प्रिंट आउट पर वो लिखा। इस संकेत की व्याख्या के लिए कई अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। यह संकेत केवल एक ही बार मिला और अब तक का किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजे गए संकेत का सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। अब अपडेट देखते हैं क्या होता है। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने CPS सेंटर ऑफ प्लेनेटरी साइंस के साथ मिलकर वो संकेत के रहस्यों को हल कर दिया है। शोधकर्ताओं के प्रमुख एंटोनियो पेरिस ने अपने सिद्धांत का वर्णन वाशिंगटन एकेडमी ऑफ साइंस के जर्नल में प्रकाशित पेपर में किया है। उनका रिपोर्ट यह बताता है कि यह संकेत एक धूमकेतु से आया था। वो संकेत की आवृत्ति 1420 MHz दर्ज की गई थी, जो कि साधारण हाइड्रोजन गैस की उत्सर्जन आवृत्ति के समान ही है। इसका प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण पिछले साल तब सामने आया जब CPS के शोधकर्ताओं की टीम ने एक सुझाव दिया कि धूमकेतु पर मौजूद हाइड्रोजन के बादल भी इसी तरह के संकेत प्रसारित करते हैं। वो संकेत हमें दोबारा इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि धूमकेतु तेज गति से गतिशील रहते हैं। जिस दिन बिग ईयर को यह संकेत मिला था, ठीक उस दिन दो धूमकेतु आसमान के उसी हिस्से में मौजूद थे। यह धूमकेतु 266P क्रिस्टेंसन और 335P गिब्स को तब खोजा नहीं गया था। शोधकर्ताओं को अपने विचार का परीक्षण करने का मौका मिला तब जब नवंबर 2016 से फरवरी 2017 तक आकाश में दोनों धूमकेतु सामने आई। इस टीम ने परीक्षण किया और अपने शोध पत्र में कहा 266P क्रिस्टेंसन से मिले रेडियो संकेत को हमने वो संकेत में मिलान किया। 40 साल पहले प्राप्त संकेत से मिलान के लिए हमने अन्य 3 धूमकेतु के रेडियो संकेतों को मिलाया है। उन्हें सभी धूमकेतु से लगभग इसी तरह के रेडियो संकेत के परिणाम प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि वे निश्चित रूप से यह तो नहीं कह सकते कि वो संकेत धूमकेतु 266P क्रिस्टेंसन द्वारा ही उत्पन्न हुआ था, लेकिन वे सापेक्ष आश्वस्त रूप से कह सकते हैं कि यह संकेत धूमकेतु द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, जो एक प्राकृतिक घटना है। रेडियो स्रोत क्या है? तो SHGB02+14A पृथ्वी पर वायु बुद्धिमान सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा उम्मीदवार मार्स
2003 में पाया गया, जब एक विचित्र रेडियो संकेत एक मिनट के लिए 1420 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर 3 गुना तीव्रता पर आया था। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह संकेत एलियन संकेत नहीं है, क्योंकि यह कमजोर संकेत है और मीन तथा मेष राशि के मध्य से उत्पन्न हुआ है, जिसमें कोई दृश्य तारा नहीं है, तथा इस संकेत की आवृत्ति ऐसे ग्रह की है जिसकी घूर्णन गति पृथ्वी से 40 गुना अधिक होगी। तीव्र रेडियो विस्फोट, फास्ट रेडियो बर्स्ट, इसे एफ आर बीस भी कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के ऐसे रहस्यमय संकेत हैं जो कि रेडियो दूरबीनों द्वारा कुछ मिलीसेकंड के लिए ही ग्रहण किए जाते हैं। उन्हें खगोलीय सीटी भी कहते हैं। ये संकेत कुछ मिलीसेकंड के होने के बावजूद सूर्य द्वारा पूरे दिन में निर्मित ऊर्जा के तुल्य ऊर्जा के बराबर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर दिन 2000 FRBs होते हैं, लेकिन 2007 में पाए गए पहले FRB के पश्चात अब तक केवल 17 FRBs ही देखे गए। इन शक्तिशाली रेडियो तरंगों का स्रोत अज्ञात है, लेकिन यह माना जा रहा है कि ये मैग्नेस्टार या दो टकराकर विलय होते ब्लैक होल द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। मैग्नेटार अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। गाते हुए धूमकेतु 2004 में प्रक्षेपित यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था के अंतरिक्ष शोधयान रोजेटा 6.4 अरब किलोमीटर की यात्रा कर अगस्त 2014 में एक विशाल धूमकेतु 67P चुर्युमोव गेरासिमेंस्को तक पहुंचा था। इस धूमकेतु से 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर रोजेटा ने एक धूमकेतु की सतह से आते हुए विचित्र गाने को सुना था। यह अवधारणा के अनुसार कि यह ध्वनि धूमकेतु द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कणों के उत्सर्जन और इन कणों के धूमकेतु के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आयन में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। अब आते हैं शनि की ध्वनि। शनि की कक्षा में 13 वर्षों से परिक्रमा करता हुआ कासिनी अंतरिक्ष यान ने 2002 में ईरी ध्वनि के संकेत जैसे परिवर्तित होती हुई आवृत्ति और समय की रेडियो तरंगें पाई थी। सभी ग्रहों से रेडियो संकेत उत्पन्न होते हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये विचित्र ध्वनि शनि के ध्रुवों के समीप की ध्रुवीय ज्योति से उत्पन्न होती है, जो कि पृथ्वी की ध्रुवीय ज्योति से उत्पन्न रेडियो संकेतों के जैसे ही हैं। अब आते पृथ्वी का कोरस। पृथ्वी का कोरस चिड़ियों की चहचहाट जैसे, इसे सुबह सुबह रेडियो उपकरणों द्वारा सुना जा सकता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की रेडियो तरंगों की आवृत्ति को मानव सुनने में असमर्थ है और इन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थित उपग्रहों ने रिकॉर्ड भी किया है। हम जानते हैं कि ये संकेत कहाँ से आते हैं, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया अभी एक रहस्य है। अब आते हैं अंतरिक्ष की दहाड़। 2006 में नासा का एक गुब्बारा 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर पहली पीढ़ी के तारों की ऊष्मा के अध्ययन के लिए कुछ उपकरण लेकर गया था। 2009 में वैज्ञानिकों ने बताया कि इस गुब्बारे में उपकरणों ने अपेक्षा से 6 गुना अधिक शक्तिशाली रेडियो संकेत पाए थे। हमारी आकाशगंगा के वायु सीमा पर तारे के और गैस के इस ध्वनि के स्रोत नहीं हो सकते हैं। अंतरिक्ष की इस दहाड़ का वास्तविक स्रोत अभी तक रहस्य बना हुआ है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।